सो गाइज फाइनली मैं जो हूँ यहाँ पर राइड के लिए निकल गया हूँ। अंकल अपाची का वो मिलेगा फुट रेस्ट, यहीं पर जो है हमारा बाइक का फुट रेस्ट टूट गया था तो इसी को जो है अभी लगवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, यहाँ पर जो है शायद एक बड़ा सा ब्रिज बन रहा है तो उसके वजह से हम ऐसा अगर पत्थर दिखे तो आप लोग बीच रास्ते से जो है हटा दीजिए। ओ भाई साहब, और ऑफ रोडिंग तो मत ही पूछो। फाइनली वाटर बॉल, ओहो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो पे। सो गाइस फाइनली मैं एक छोटा सा राइड पे निकल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक छोटा सा राइड के लिए निकलूंगा, तो गाइस फाइनली मैं अभी राइड पे निकल रहा हूँ। एंड मैं राइड पे कहाँ जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ दोस्तों मोती झरना, जो कि साहिबगंज जिले में पड़ता है। एंड मेरे साथ दोस्तों कुछ ना कुछ होते रहता है, तो मैं आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे साथ फिर से क्या इंसिडेंट हो गया है। सो गाइज फाइनली मैं जो हूँ यहाँ पर राइड के लिए निकल गया हूँ। एंड मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया है, जो कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट रिपेयर करते हुए दिखाऊंगा। एंड आज का जो हमारा जो राइड होने वाला है वो ऑलमोस्ट 100 से लेकर 105-10 किलोमीटर तक होने वाला है। और साहिबगंज जो है मोती झरना हम लोग जा रहे हैं, जो कि 105-10 किलोमीटर का जो है राइड होने वाला है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का जो है ये राइड होने वाला है। तो फिर चलते हैं सीधा पेट्रोल पम्प एंड गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, जिसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तभी पहुंचे हम लोग पेट्रोल टैंकी पर, करते हैं बाइक को यहाँ पर रिफ्यूल। तो भाई साहब फाइनली हम लोगों ने फ्यूल पंप से फ्यूल डलवा लिया, जो कि 620 का जो है हमने पेट्रोल डलवाया, जो कि 6 लीटर आया। एंड हमारे यहाँ का जो पेट्रोल का प्राइस है वो 98 लीटर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइज अपने बाइक का वो फुट रेस्ट लेने के लिए। मेरे बाइक का जो है फुट रेस्ट टूट गया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ वही बाइक का फुट रेस्ट लेने के लिए। एंड इसके बाद उसको रिपेयर करवाते हैं, फिर अपनी जर्नी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं उस वाले दुकान पे जहाँ पर जो है हमारे बाइक का पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जल्दी से अपना बाइक का पार्ट लेते हैं। अंकल अपाची का वो मिलेगा फुट रेस्ट? अपाची का फुट रेस्ट आगे वाला, इस साइड वाला, राइट साइड वाला। कितना प्राइस अंकल सर? सो गाइज फाइनली हमें ये पार्ट मिल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पर जो है हमारा बाइक का फुट रेस्ट टूट गया था तो इसी को जो है अभी लगवाएंगे। देखते हैं किसी मैकेनिक से अभी लगवाते हैं। तो गाइज अभी हम आए हैं एक मैकेनिक के पास, देखते हैं ये लगाएगा कि नहीं। अंकल जी फुट रेस्ट लगाना है, लगा दीजिए ना, थोड़ा हम लोग निकल रहे हैं कहीं। तो गाइज यहाँ पर अंकल जी जो है हमारे बाइक का फुट रेस्ट लगा रहे हैं, हो गया। चलो तो फाइनली हमारा बाइक का फुट रेस्ट सही हो चुका है। कितना हुआ अंकल? चलो तो भाई साहब फाइनली अब हम लोग अपनी जर्नी को जो है कंटिन्यू करते हैं। सारा जो जितना कुछ भी था, फ्यूल वगैरह भी डलवा लिया एंड बाइक को भी अपना रिपेयर करवा लिया। एंड इसके बाद जो हम लोग चलते हैं अब अपनी जर्नी की ओर। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोगों ने एक पहला ब्रेक लिया है। एंड हम लोग जो है मोहनपुर साइड से आ रहे थे, तो वहाँ से हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया, जो कि ये वाला रास्ता था। इस वाले रास्ते से जो है हम लोग जा रहे थे। एंड हम लोग को एक मस्त सा लोकेशन दिखा है, मैं आप लोग को अभी चेक करवाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लोकेशन है भाई साहब, ये जो है कैमरा में आप लोग जस्टिस नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये जो है रियल लाइफ में देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजर लगता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये एक बाइक है, बाइक जा रहा है गाइज। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो है दिख भी नहीं रहा है। एंड सामने जो वहाँ पर आप लोग को दिख रहा है वो एक तालाब है, छोटा था, छोटा क्या, बहुत ही बड़ा दिख रहा है। एंड ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी है। एंड ये जो चीज़ है कैमरा ये चीज़ को जस्टिस नहीं कर पाएगा, आँख से जो देखने में लग रहा है वो कैमरा जो है जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो आप लोग यहाँ का कुछ सिनेमेटिक शॉट्स को भी इन्जॉय करिए।
अभी मैं पहुंचा था बोरियो की मार्केट के पास, मैं जो है उधर से आया हूं, वो जो है बोरियो मार्केट पड़ता है उधर से, तो उधर से ही मैं आया था। एंड रास्ता जो था दोस्तों वो यही वाला रास्ता था, बट दोस्तों यहां पर क्या है कि कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, यहां पर जो है शायद एक बड़ा सा ब्रिज बन रहा है, तो उसके वजह से हम लोग अभी इधर से निकलेंगे इस साइड से। तो इस साइड से होकर जो वो वाला रोड जो देख रहे हैं वो जो है मेन साहिबगंज का हाईवे है, तो उधर से ही होकर जो अभी हम लोग निकलेंगे। एंड यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा सा ब्रिज बन रहा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर ब्रिज टाइप से बन रहा है। एंड अभी जो है हम लोग का राइड ऑलमोस्ट और तकरीबन 35 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट बचा है और यहाँ से, और हम लोगों ने आधा से ज़्यादा जो है रास्ता कवर कर लिया है, और यहाँ से हम लोग का ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर जो है और बचा होगा। और ये रहा भाई साहब हमारा बाइक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी साथ निभा रहा है, और इसका बाइक का जो है इंजन थोड़ा बहुत जो हीट हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है हम लोग का राइड काफ़ी अच्छा खासा हो गया, तो इंजन थोड़ा बहुत हीट है, तो उसको भी थोड़ा बहुत कूल होने देते हैं एंड फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो भाई साहब फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इधर से जो है ब्रिज का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग अभी इधर से निकलेंगे। तो फिर चलते हैं, अब हम लोग राइड को जो है कंटिन्यू करते हैं। और भाई साहब यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है, वैसे रास्ते में तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग किया, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता था, और यहाँ पर एक ढलान, काफ़ी बड़ा ढलान है। ओ भाई साहब हाँ, तो ये दोस्तों साहिबगंज का जो है मेन हाईवे, अभी इसी से पकड़ेंगे हम लोग। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुँचे थे कुछ इस प्रकार से जगह पे, और ये जो सामने वाला रूट आप लोग को दिख रहा है ये जो है राजमहल की ओर जाता है, एंड ये वाला जो रास्ता है ये आप लोगों का साहिबगंज की ओर जाता है, तो हम लोग साहिबगंज वाला रोड जो है पकड़ लेंगे। एंड इसके बाद ऊपर में है साहिबगंज, यहाँ से और 28 किलोमीटर है, आपकी यात्रा मंगल हो। और यहाँ से जो है साहिबगंज 28 किलोमीटर बचा है, तो चलिए हम लोग फटाफट से जो है अपनी डेस्टिनेशन को कवर करते हैं। ओ भाई साहब बीच में पत्थर है, एक मिनट भाई साहब, बीच में पत्थर, अगर आप लोगों को भी ऐसा अगर पत्थर दिखे तो आप लोग बीच रास्ते से जो है हटा दीजिए एंड उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा दिखे तो ज़रूर से आप लोग हटा दीजिएगा पत्थर। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा दिखे रास्ता में, अगर पत्थर वगैरह या फिर गाय वगैरह कुछ भी दिखे, तो उसको एक दो मिनट आप अपना देकर उसको जो हटा दीजिए, ताकि उसकी वजह से किसी और की जो है जान ना जाए। एंड इसके बाद आप लोग हाईवे देख सकते हैं, काफ़ी एकदम मस्त हाईवे है, एक नंबर हाईवे, काफ़ी एकदम मक्खन और काफ़ी स्मूथ रोड है यहाँ पर, एक नंबर भाई साहब, मज़ा आ गया ये रोड देख कर। भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बाइक है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं उधर आगे भी कोई नहीं है एंड पीछे भी कोई नहीं है, यहाँ पर जो है मैं अकेला हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं ये वाला लोकेशन पे जो है ये वाला पेड़ काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा पर रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड मैं जो यहाँ पर रुका हुआ हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा पुल है जो कि आप लोग देख सकते हैं नीचे जो है वाटर वगैरह जाता है। एंड अभी जो भाई साहब मैं अभी नेचर के एकदम काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, आप लोग देख सकते हैं पीछे पहाड़ वगैरह भी एकदम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है। एंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मैं जहाँ पर रुका हूँ वहाँ पर नीचे में जो है वाटर वगैरह भी निकलता है, तो आप लोग देख सकते हैं नीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब गहरा है, नीचे से वाटर वगैरह भी जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी थोड़ा बहुत कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करूंगा, जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, तो आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंचा हूं जलेबी मोड़ पे, इसी को जो है जलेबी मोड़ कहा जाता है। एंड इसको जलेबी मोड़ क्यों कहा जाता है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड अभी टाइम जो है ऑलमोस्ट 1:10 हो रहा है, एंड और यहाँ से जो है तकरीबन हमारी जो राइड है और तकरीबन 15-20 किलोमीटर की होगी। एंड इसे जलेबी मोड़ क्यों कहा जाता है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो भाई साहब अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है बाइक को ऑफ़ कर दिया है एंड गाड़ी को मैंने न्यूट्रल भी कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी को मैंने ऑफ़ कर दिया है, न्यूट्रल भी कर दिया है, फिर भी बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है। एंड इसके बाद देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प टर्न है, इतनी शार्प टर्न है कि मतलब क्या ही कहें, एक ही टर्न को मैंने क्रॉस किया एंड दूसरा जो टर्न आ गया, एंड बाइक जो है अभी ऑलमोस्ट 35 के स्पीड में चल रही है।
ओह भाई साहब, अगर यहाँ पर ब्रेक ना लगाया जाए तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न है। जय बजरंगबली, कृपा बनाए रखना, हमारी राइड अच्छे से हो। अच्छे से आए हम साहिबगंज और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जलेबी मोड़ भाई साहब कुछ ऐसा ही है, आप लोग टर्न को देख सकते हैं, ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ वगैरह भी है। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं पहाड़ पे है ये वाला जलेबी मोड़, और ऐसे ऐसे करके जो है इसका टर्न है एंड काफ़ी ज़्यादा ये ढालू है। बाइक जो है भी ऑलमोस्ट 35 का स्पीड में चल रहा है। एंड यहाँ से जो है साहिबगंज का गंगा काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है यहाँ से साहिबगंज का गंगा जो है। तो भाई साहब जलेबी मोड़ यहाँ पर ख़त्म होता है एंड साहिबगंज यहाँ से और 4 किलोमीटर है। गाइस फाइनली जो है हम लोग पहुँच चुके हैं साहिबगंज पे एंड यहाँ से जो है हम लोग को राइट टर्न लेना है। वहाँ पर जो है आप लोग को बोर्ड भी दिख रहा होगा, वो रहा। एंड मोती झरना के लिए जो है हम लोग को राइट लेना होगा, जो कि यहाँ से और 13 किलोमीटर है मोती झरना। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं राइट, तो ये वाला जो रूट है ये सीधा चल जाता है मोती झरना। एंड साहिबगंज पे जो है हम लोग एंट्री कर चुके हैं एंड यहाँ से जो है सीधा सीधे अब हम लोग को जाना है मोती झरना। तो भाई साहब फाइनली हम लोग 13 किलोमीटर जो है क्रॉस करने के बाद आए हैं मोती झरना के मेन गेट के पास, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोती झरना को लेकर जो है स्वागत किया जा रहा है। एंड यहाँ से जो है हम लोगों को लेना है राइट टर्न, जो कि ये लोग जो आप लोग देख सकते हैं ये सब भी वहीं से आ रहे हैं। एंड ये रहा मोती झरना का मेन गेट, तो ये है मोती झरना का मेन गेट, तो यहीं से जो है एंट्री होती है। एंड भाई साहब हम लोगों ने जो साहिबगंज क्रॉस किया इसके बाद जो इधर 13 किलोमीटर का रास्ता था वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बेकार, काफ़ी ज़्यादा घटिया था रास्ता, मतलब कि इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता था क्या ही बताएं भाई साहब, लद्दाख वाला फीलिंग आ रहा था। एंड ये वाला रास्ता जो है दोस्तों आपको सीधा सीधी मोती झरना लेकर जाएगा, बीच में जो है आप लोग को ये गांव देखने को मिलेगा। तो ये जो गांव आप लोग देख रहे हैं इसी गांव को क्रॉस करने के बाद जो है मोती झरना हम लोग को जाने को मिलेगा। एंड ये जो गाँव है ये ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर का है। एंड आई थिंक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मुझे लगता है इस वीडियो को जो है 2 पार्ट में बनाना पड़ सकता है। भाई साहब इतना ख़तरनाक चढ़ाई, ओ भाई साहब, और ऑफ रोडिंग तो मत ही पूछो। तो भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साहिबगंज के एक मस्त सा खूबसूरत लोकेशन जिसे मोती झरना कहा जाता है। एंट्री वगैरह करवाना होगा क्या? तो भाई साहब यहाँ पर जो है एंट्री करवाना पड़ता है एंड बाइक का नंबर वगैरह देना पड़ता है, जो कि 20 रुपये का एंट्री था। एंड ये रहा इसका मेन गेट। ओ भाई फाइनली वाटरफॉल, ओहो भाई साहब, चलो बाइक पार्क करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई साहब बाइक को जो है हम लोगों ने यहाँ पर पार्क कर दिया एंड इसके बाद अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट झरने की ओर, जो कि इधर से होकर इधर से जो है रास्ता है झरना जाने के लिए एंड ऊपर पे जो है वाटरफॉल हो रहा है, तो चलते हैं झरने की ओर। तो भाई साहब ये रहा वो रास्ता जिससे हम जाएंगे अपना वाटरफॉल पे, मोती झरना भाई साहब। तो भाई साहब फाइनली वाटरफॉल का नज़ारा, मतलब कि आंखों से जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ना भाई साहब वो कैमरा में कभी भी नहीं आ पाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर नहाने का थोड़ा बहुत प्लानिंग करते हैं, तब तक आप लोग कुछ सिनेमैटिक शॉट्स का एंजॉय करिए।